नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ यशि शुक्ला। रुख करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको आगरा से बड़ी खबर बता दें, जहां पर लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। कोरोना जांच में एक साथ आए 45 नए मामले। आपको बता दें कि तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं रुक रहा है कोरोना का कहर। आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 241। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से, जहां पर लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में हो रहा है इजाफा। कोरोना जांच में एक साथ आए 45 नए मामले सामने। आपको बता दें कि तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं रुक रहा है कोरोना का कहर। आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। आपको बता दें कि अभी एक साथ कोरोना जांच में आए हैं 45 नए मामले सामने आए हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं रुक रहा है कोरोना का कहर। आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 241। आगरा में कोरोना जांच में एक साथ आए 45 नए मामले। तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं रुक रहा कोरोना का कहर। आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 241। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से, जहां पर लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि कोरोना जांच में एक साथ सामने आए 45 नए मामले और तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं रुक रहा है कोरोना का कहर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान हमसे जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। देखिए, बात अगर आगरा की जाए तो आगरा को जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय, जो दिल्ली में हुई स्वास्थ्य विभाग की बैठक में कहा गया कि रोल मॉडल बताया गया, तो कागजों में आगरा की तारीफें जरूर हुई, लेकिन धरातल पर अगर स्थिति देखी जाए तो आगरा में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और 241 आंकड़ा हो चुका है कोरोना पीड़ित मरीजों का। नए मामले 45 मिले हैं, जिसमें कि 21 जो मरीज हैं वो पारस हॉस्पिटल से संबंधित है, जो कि ऑलरेडी पहले से क्वारंटाइन में 6 अप्रैल से चल रहे थे। वहीं 3 मरीज एसआर हॉस्पिटल से हैं और 5 जमाती हैं, जबकि जो 6 मरीज हैं वो अन्य हैं। तो लगातार जिस तरह से ये मरीज मिल रहे हैं, और हम लगातार कह रहे हैं कि अभी जो जांचें हैं वो कम जा रही हैं, अगर ये जांच एक साथ ज्यादा जाती हैं तो ये आगरा का दौर हो सकता है। और अभी तक आगरा में सबसे ज्यादा ये फैला है, जो कल रात शाम को 45 लोगों की रिपोर्ट आई है। तो इस तरह कुल मिलाकर एक बड़ा आंकड़ा हो रहा है आगरा के लिए, एक खासी बलिदानी हो रहा है। और जो प्रशासन है कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई यहाँ नजर आ रही है। जी अजेंद्र, केजीएमयू की टीम आई थी और लगातार वो एक रिपोर्ट तैयार कर रही थी कि आखिर क्यों आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या में इस तरीके से इजाफा हो रहा है, क्या उनकी कुछ रिपोर्ट आई अभी तक? देखिए, जिस तरह से 2 सदस्य टीम आगरा आई थी, अभी उस रिपोर्ट यहाँ पर कोई जो रिपोर्ट है अभी उन्होंने नई रिपोर्ट नहीं दी है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो टीम यहाँ आई थी वो यहाँ के जो खामियां थी उसको देखने आई थी। लेकिन एक मुख्यमंत्री द्वारा, एक जो शासन द्वारा एक सेंटर जरूर चलाया गया, जिसमें डॉक्टर राजेश्वर दयाल पर जांच बैठाई, तो वहीं जो मेडिकल विभाग के विभाग अध्यक्ष थे पी के माहेश्वरी को निलंबित कर दिया गया। डीजीएमई कार्यालय से माहेश्वरी को अटैच कर दिया गया, क्योंकि पी के माहेश्वरी पर लगातार संक्रमण फैलाने का आरोप था। उनको होटल में रहकर क्वारंटाइन के नियमों की धज्जियां उड़ाने का उन पर आरोप था। जी, तमाम जानकारी के लिए अजेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से, जहां पर लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कोरोना जांच में एक साथ 45 नए मामले सामने आए हैं और तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं रुक रहा है कोरोना का कहर। आपको बता दें कि आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या 241 हो गई है।